एवरीवन, कल हमने देखा था प्लेट विवर्तनी में पार्ट वन में प्लेटें क्या होती हैं और किस तरह से प्लेटें टाइप कितने होते हैं, प्लेटों के प्रकार तक। प्लेटों के टाइप में सिर्फ मैं नाम बताए थे, उसमें तीन प्रकार की प्लेटों में गतियां होती हैं, या कह सकते हैं कि प्लेटों में जो गति होती है वो तीन प्रकार से होती है। पहली होती है अपसारी, दूसरी होती है अभिसारी और तीसरी होती है संरक्षी। ठीक है, अपसारी को हम रचनात्मक भी बोलते हैं, अभिसारी को विनाशात्मक बोलते हैं। ठीक है, और संरक्षी जो होती है इससे ना तो रचना होती है ना विनाश होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिर्फ संरक्षित प्लेटें। अगर हम प्लेटों की गति की बात करें तो जो प्लेटों में गति जो होती है इसके लिए आयलर का सिद्धांत जिम्मेदार होता है। यानी इसकी गति के लिए आयलर का सिद्धांत माना जाता है। कि आयलर के सिद्धांत में है क्या है कि प्लेटें जो हैं, जो गतिशीलता पाई जाती है उस वो जो है एक ध्रुव के चारों ओर घूमती है, उस आधार पर इनको कहा जाता है कि प्लेटों में गति होती है। ठीक है, अब पहली जो अपसारी या रचनात्मक क्रिया है इसमें क्या होता है कि प्लेटें जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, और इस क्रिया से अपसारी क्रिया में पहले क्या होता है इसमें एक दूसरे के समानांतर आती है और संरक्षी क्रिया में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। अब एक एक प्लेट से बताऊंगी कि इनका रचनात्मक नाम क्यों है, इनका विनाशात्मक नाम क्यों है, इनका संरक्षी नाम क्यों है। अगर हम पहले की बात करते हैं अपसारी क्रिया की, तो ये अपसारी क्रिया का मतलब मैंने समझाया रचनात्मक। इसमें क्या होता है कि जब प्लेटों में मूवमेंट विपरीत दिशा में होता है, जैसे मैंने एरो बना रखा है कि विपरीत दिशा में मूवमेंट होता है तो बीच में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। तनाव मतलब हम खींचते हैं, जब एक तरफ इधर खींच रहा है दूसरे तरफ खींच रहा है तो बीच में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होने से बीच में जो है गैप बढ़ते हैं, और गैप बढ़ने से नीचे से जो मलबा है वो आता है और नई क्रस्ट का निर्माण करता है। ठीक है, जब नई क्रस्ट बनती है तो क्या हो रहा है, रचना हो रही है, तो इसे बोलते हैं रचनात्मक। अब इसके लिए कहा जाता है जो नई क्रस्ट का निर्माण, अपसारी क्रिया में नई क्रस्ट जो निर्माण होती है उसके लिए क्रस्ट के साथ में कटक का भी निर्माण होता है। अगर मैं इसे कहूं कि क्रस्ट और कटक, यहां लिखू मैं, इसमें क्या होता है नई क्रस्ट और कटक दोनों का ही निर्माण होता है। अब नई क्रस्ट और कटक से कैसे पता लगाते हैं कि समुद्री क्षेत्रों में जो कटक पाए जाते हैं वो कटक की चट्टानें और जो महासागरीय तली है उन चट्टानों के युगों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो है रचनात्मक, यानी इनका निर्माण बाद में हुआ है, महाद्वीपों के समय पर नहीं हुआ। ठीक है, और इसका कारण बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि किस कारण से चलते हैं, तो इसका कारण है संवाहनिक धाराएं। जो संवाहनिक धाराएं चलती हैं उन संवाहनिक धाराएं जब ऊपर की ओर आती हैं और आने से जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो ये कहलाता है तनाव की क्रिया, जिसे रचनात्मक किनारा भी बोलते हैं या अपसारी क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब मैं नई क्रस्ट और कटक, ये तो समुद्र का हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामुद्रिक क्षेत्रों में ही निर्माण होता है, इसका निर्माण महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी होता है। समुद्र तल के फैलाव, यानी समुद्र तल का फैलाव, जिसमें हैरी हेस ने समुद्र फैलाव का सिद्धांत दिया है, वो भी इस चीज को मानते हैं कि बीच में जो है तनाव होने से क्रस्ट बाहर आती है, जिस कारण से इनका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी क्रिया आती है हमारी अभिसारी क्रिया। इसको विनाशात्मक शब्द क्यों बोलते हैं, इसमें तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं,
इसमें क्या होता है, क्रस्ट एक दूसरे की क्षेपण करती है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महाद्वीपीय ब्लेड, मतलब प्लेटर नाम बताए थे महाद्वीपीय, दूसरी थी महासागरीय और तीसरी थी महाद्वीपीय महासागरीय, ठीक है। अब ये जो बताई थी इसमें मैंने एक साथ में ये बताई थी कि जो महासागरीय प्लेट है वो 10 किलोमीटर तक मोटी होती है, ये 65। अब इसमें जो है ये मोटी होती है, इसका मतलब ये जो है संगठित होते हैं। तो मैं जो अभिसारी क्रिया है वो कहाँ होती है, महासागरीय क्षेत्रों में और महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी जहाँ पर महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें आपस में क्षेपण करती हैं, आपस में एक दूसरे के सामने टकराती हैं, तो महाद्वीपीय प्लेट कैसी होती है, वो हल्की होती है। और महासागरीय प्लेट जो है वो कैसी होती है, जैसे कि मैंने मोटाई बताई है, सख्त होती है। स्याल और सीमा, मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्याल और सीमा के बारे में। तो ये जो होती है ये भारी होती है, यानी ये ठोस होती है। तो ये क्या करती है, महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण करती है, यानी कि ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। तो उसको वो इस तरह से, अगर ये देखें ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, तो ये भारी है महासागरीय प्लेट और महाद्वीप प्लेट हल्की है। तो जब टकराएंगे तो क्या होगा, ये नीचे दब जाती है और महासागरीय प्लेट ऊपर आ जाती है। तो इस क्रिया से जो है विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं, यानी कि नुकसान अधिक होता है, निर्माण कार्य इतना नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें उदाहरण की बात करूं तो जो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है ना, सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो है, उसका निर्माण अभिसारी क्रिया से ही माना जाता है कि जब क्षेपण हुई तो नीचे दरार पड़ी और जिस कारण से इसका निर्माण हुआ। और तीसरी जो संदक्षी प्लेट है उसमें क्या होता है, उसमें मूवमेंट अगल बगल से होता है, जिस कारण से, क्योंकि इसमें क्रिया बताइए इस तरह से चलती है, जब इस तरह की क्रिया होती है तो इसमें ना तो निर्माण होता है, ना मतलब रचना होती है, ना विनाश होता है, सिर्फ क्या होता है, रगड़ खाते हैं, जिस कारण से रूपांतरण किसी क्रिया तो हो सकती है लेकिन और कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अब जो प्लेटें हैं ये क्लियर होगी, प्लेटों की कितने तरह की होती हैं, किस तरह से निर्माण होता है, तीन प्रकार की होती हैं, पहली रचनात्मक, दूसरी विनाशात्मक और तीसरी संरक्षित प्लेट। और इनका जो प्लेटों में गति का कारण क्या है, ध्यान रखना, आयलर का सिद्धांत। आयलर सिद्धांत में क्या कहा गया कि जो प्लेटें मूव करती हैं वो ध्रुवों की और चारों ओर अभिसरण करती हैं, ठीक है। अब प्लेट विवर्तनी के कारण क्या है, प्लेटों में जो मूवमेंट होता है उसके रीजन कारण क्या है, जैसे कि एक मुख्य कारण बताया गया है संवहन धाराएं, संवहन धारा यानी अंदर से जो नीचे से वेव मूवमेंट आता है जिस कारण से इनका निर्माण होता है। और ये संवहन धाराएं जो है वो क्या करती हैं, अब संवहन धाराओं को अगर मैं समझाऊं, ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है। अब क्रस्ट के नीचे यहाँ पर अगर समझो ये मेटल है, अब मेटल में मैंने बताया था पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर, अब एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जब तरंगें नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होती हैं, जिसका कारण क्या है, संवहन तरंग। अब इसको बहुत समझ में आ जाएगा तुम लोगों के, संवहन तरंग किससे बनती है, ये मेटल है, मेटल में क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। अब रेडियो एक्टिव के विखंडन होता है, इसका क्या होता है, विखंडन, विखंडन से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है, मेटल में संवहन धाराएं चलती हैं। और संवहन धाराएं चलती हैं वो किस तरह चलती हैं, ऊपर की ओर मूव करती हैं, जब ऊपर की ओर मूवमेंट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जो किनारे हैं इनका जो निर्माण हुआ है अपसारी अभिसारी और संरक्षी क्रियाओं का, वो कहाँ होता है कि सैर गंडों के यानी किनारों पर। तो ये किनारे जो होते हैं
उन किनारों पर या तो तनाव उत्पन्न होता है या विचाव। अगर मैं ये कहूँ ये मैंने ये ऊपर की ओर संवहन तरंगे चल रही है, अब इनमें अगर ये मूवमेंट इधर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रचनात्मक। अगर मूवमेंट इधर हो जाएगा तो विनाशात्मक, ठीक है। और अगर मूवमेंट इधर से आके वापस लौटता है तो इसे बोलते हैं संरक्षी। क्लियर है? अब इन्हीं को बताती हूँ मैं, ये दो रचनात्मक किनारे, समझ में आ गया। पहले क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर के नीचे मेटल है, मेटल में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व में विखंडन होता है, विखंडन से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न जो होती है उससे संवहन धाराएं वेव्स चलती हैं, और वो जो संवहन धाराएं चलती हैं वो जब ऊपर की ओर आती हैं, अब ये संवहन धाराएं तीन तरह की होती है, एक तरह समझ लो संवहन धाराएं कितनी तरह की होती हैं, तीन तरह की यहाँ लिख देती हूँ। पहली संवहन धाराएं जो लंबी लंबी होती हैं या बड़े कह सकते हैं, दूसरी जो होती हैं वो संवहन धाराएं जो होती हैं वो इनके सेल कण बहुत छोटे होते हैं, यानी छोटे सेल के, इसके सेल कैसे होते हैं, छोटे, इनके संवहन के या इनके जो होते हैं बड़े सेल, इनमें ऊर्जा अधिक होती है। और तीसरे को बोलते हैं उच्छल। ये तीन तरह की संवहन धाराएं चलती हैं। तो जो बड़े सेल की धाराएं चलती हैं वो लंबे समय लंबे कार्य करती हैं, जिनसे जो है समुद्र स्थल, यानी जो बताए थे पर्वतों के निर्माण में संवहन प्लेटों से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या जो पर्वतों का निर्माण, क्रस्ट का निर्माण, ठीक है, समुद्र तल फैलाव, और साथ में तीस क्या होता है, कटक का निर्माण, ठीक है। जो ये क्रियाएं होती हैं, वैसे तो ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत उत्पत्ति सब कुछ इसमें आता है, मैं इसमें साथ में लिख सकती हूँ ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ भूकंप। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो किसके कारण होती हैं, इन्हीं सेल जो वेव चलती है उनके कारणों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जो धाराएं सिर्फ सीमित रह जाती हैं, यानी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती हैं, उनको बोलते हैं छोटे सेल वाली। और जो लंबे समय तक, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं कर पाती, सिर्फ नीचे से ऊपर तक ही आ पाती, इनको बोलते हैं हम पुच्छल। जिनसे पुच्छल से क्या होता है, अगर मैं ये बड़े सेल से तो संवहन धाराओं से इन चीज़ों का निर्माण हो गया, छोटे सेल का एस्थेनोस्फीयर भी खत्म हो जाते हैं, और जो पुच्छल हैं उनसे क्या होता है कि ये जो वेव्स हैं वो इधर उधर टर्न ना करके ऊपर की ओर टर्न करती हैं, जिस कारण से विचाव यानी ऊपर की ओर खिंचाव बढ़ने लगता है और पर्वतों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? दोबारा रिपीट करूँ एक बार कि जो वेव्स बताई थी मैंने, तीन तरह की बताई थी, पहली अपसारी, दूसरी अभिसारी, तीसरी थी हमारी संरक्षी प्लेट, ठीक है। अपसारी क्रिया यानी कि रचनात्मक, अपसारी में रचनात्मक होती है, यानी निर्माण कार्य होता है, पर्वतों की उत्पत्ति, क्रस्ट का निर्माण, समुद्र फैलाव, कटक का निर्माण, ज्वालामुखी, ये विनाशातक में भी आता है ज्वालामुखी, ठीक है, इसको मैं हटा भी सकती हूँ, और भूकंप भी विनाश में डाल जाता है क्योंकि इनसे विनाश अधिक होता है, निर्माण कम होता है, ठीक है। और जो दूसरी ताई थी मैंने, जो विनाशात्मक थी, उनसे मैंने ज्वालामुखी, भूकंप जो इरेज किया है वो शामिल हो जाएगा। और तीसरी जो होती है वो संरक्षी होती है, उसमें प्लेटें एक दूसरे के मूवमेंट करती हैं। अब मैंने जो कारण बताया था, संवहन धारा कारण क्या था, एस्थेनोस्फीयर में जो वेव्स चलती हैं वो वेव्स कैसे चलती हैं वो भी क्लियर कर दिया था कि रेडियो के तत्व के प्रभाव से, रेडियो के तत्व पैदा होता है तो विखंडन होता है, विखंडन से ऊर्जा होती है, ऊर्जा से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये संवहन धाराएं तीन तरह की होती हैं, बड़े सेल की, छोटे सेल की और पुच्छल, ठीक है। बड़े सेलों से क्या होता है, इन सब का निर्माण, सेल छोटे जो होते हैं वो एस्थेनोस्फीयर तक ही आ पाते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो पुच्छल होते हैं उनसे क्या होता है, वेव बढ़ता है और पठारों का निर्माण हो जाता है। तो ये था हमारा जो प्रकार जो होते हैं। अब इसके मैं प्रमाण की बात करूं तो जो महाद्वीपों के
प्लेट विवर्तनी का जो प्रमाण है कि हम कैसे कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनी होती है, इसके लिए कहा जाता है कि प्लेट विवर्तनी पर्वतों की उत्पत्ति, जैसे मैंने अभी बताया था ना, पर्वतों की उत्पत्ति। अब इसके लिए बहुत शॉर्टली बताती हूँ, पर्वत उत्पत्ति में जैसे हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, इन पर्वतों की जो उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो मुख्य रूप से यही माना जाता है कि जब यूरेशिया और एशियाई प्लेट, यूरोप और एशियाई प्लेट मिली आपस में तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, जब जो है अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट से क्षेपण हुई तो रॉकी एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ज्वालामुखी क्रिया। तो ये ज्वालामुखी क्रिया कहाँ होती है? सभी क्रियाएं जो होती हैं ये प्लेटों के किनारों पर ही होती हैं। ज्वालामुखी के बाद में आता है हमारा भूकंप। भूकंप भी कहाँ होता है? प्लेटों के किनारों पर। जैसे कि मैं इधर प्रशांत महासागर के जो पूरे प्रशांत महासागर को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, क्यों? क्योंकि वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर बसी हुई है। ठीक है, भूकंप तो मुख्य है ही, जो भूकंप भी किस कारण से होता है? संबंध धाराओं में जो अंतर आता है उसके कारण। और नेक्स्ट आता है समुद्र तल फैलाव। समुद्र तल फैलाव की अगर हम बात करें तो ये सभी को पता है कि जो है महासागर अटलांटिक महासागर या बढ़ रहा है, क्योंकि वो समुद्र तल से फैल रहा है, वो किसको दिखाता है? प्लेटों के मूवमेंट को दिखाता है। प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, ये किसको दिखाता है? प्लेटों के मूवमेंट को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वीपीय चापों का निर्माण। द्वीपीय चापों का निर्माण, तो द्वीपीय चापों का जो निर्माण के लिए जिम्मेदार है वो मुख्य रूप से यही माना जाता है कि जब प्लेटों में मूवमेंट हुआ तो निर्माण कार्य के समय उन प्लेटों के विखंडन से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आते हैं, वो जो है अगर कहो तो बाद में बना दूंगी, नहीं तो ये टॉपिक अपना पूरा क्लियर हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।